हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 80 के दौर में दूरदर्शन के मशहूर सीरियल उड़ान को भूले नहीं होंगे आप, ना भूले होंगे धारावाहिक की आईपीएस कल्याणी सिंह को, यानी कविता चौधरी। मगर दोस्तों, कविता चौधरी अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी मौत 15 फरवरी की रात को हो गई है। खासकर जब उनकी मौत की वजह पता चली तो वो बेहद दर्दनाक निकली। चलिए हम कविता चौधरी के कल्याणी बनने के सफर से लेकर उनकी मौत की वजह की जानकारी देते हैं। कविता चौधरी 1957 को पैदा हुई थी। उनकी बड़ी बहन भी थी कंचन चौधरी। बड़ी बहन को पुलिस सेवा पसंद आई तो छोटी को अभिनय की दुनिया। कंचन पढ़ाई के बाद सिविल सेवा पास कर आईपीएस बन गई। वहीं कविता चौधरी एनएसडी से एक्टिंग सीखकर एक्टिंग की दुनिया में छाने के लिए तैयार हो गई। बदलाव का दौर था। कविता अपनी आईपीएस बहन से प्रेरित होकर एक सीरियल बनाने की सोचने लगी। 80 का दौर खत्म हो रहा था, दूरदर्शन का जमाना। कविता का 1989 में धारावाहिक आया उड़ान। एक महिला के आईपीएस कल्याणी सिंह बनने की कहानी और पुलिस सेवा का संघर्ष। सीरियल ने ऐसा जादू कर दिया कि कल्याणी सिंह के रूप में कविता चौधरी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की फेवरेट बन गईं। उस दौर में उनसे ज्यादा मशहूर टीवी अभिनेत्री दूसरी न थी। कल्याणी सिंह के रोल में लड़कियों को आईपीएस बनने के लिए जितनी प्रेरणा उनसे मिली, उतनी तो शायद किरण बेदी तक से न मिल पाई होगी। वो इतनी मशहूर हो गई कि सर्फ जैसी कंपनी ने निर्मा को टक्कर देने के लिए उनको चुन लिया। जी हाँ, उन दिनों निर्मा वॉशिंग पाउडर की धूम थी। सर्फ को बाजार में टिके रहने के लिए ऐसा चेहरा चाहिए था जो आम औरत से जुड़ जाए। कंपनी ने कविता को चुना। ललिता जी बनकर जब उन्होंने बोला सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है, तो उनकी बातों का ऐसा जादू हुआ कि वाकई लोग उनकी बात मानने लग गए। उड़ान की कल्याणी अब सर्फ वाली ललिता जी के नाम से भी मशहूर हो गई। हालांकि हमारी अभिनय इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि खरे सोने की कद्र ही नहीं होती। यही कविता के साथ भी हुआ। उड़ान के बाद वह अचानक से गुमनाम हो गई। सालों बाद योर ऑनर सीरियल से वापसी की, मगर वक्त आगे निकल चुका था। उन्होंने अमृतसर में अपना ठिकाना बना लिया। सालों से गुमनामी की जिंदगी गुजार रही कविता की लोगों को याद आई तब, जब उनकी मौत की खबर सामने आई। मौत की वजह पता लगी तो लोग चौंक उठे। कविता चौधरी की कुछ साल पहले तबीयत खराब होने लगी। पता नहीं था कि शरीर के अंदर क्या पनप रहा था। टेस्ट करवाए तो डॉक्टर हैरान। दूरदर्शन की अभिनेत्री खतरनाक कैंसर की चपेट में आ चुकी थी। इलाज शुरू हुआ, लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर कैंसर की बीमारी से लड़ाई जारी रही। सालों तक चली लंबी जंग के बाद कविता अंदर से इतनी कमजोर हो गई कि शरीर जवाब देने लग गया। बीमारी से ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर नीचे चला जाता। फरवरी में भी ऐसा ही हुआ। उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो होने लगा तो परिवार वालों ने उनको अमृतसर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ दिनों से वो भर्ती थी, लेकिन कैंसर पीड़ित अभिनेत्री की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अचानक 15 फरवरी को रात 8:30 बजे कविता का बीपी इतना लो हो गया कि उनके दिल ने जवाब दे दिया और उनको हार्ट अटैक पड़ गया। डॉक्टरों ने उनको बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन 67 साल की अभिनेत्री की मौत हो गई। दोस्तों, आपको कविता चौधरी याद हैं या भूल गए? अगर वो आपको याद हैं तो उनका उड़ान सीरियल आपको कैसा लगता था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि ज़रूर दीजिएगा। टीवी और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।